110 120 लास्ट यहाँ तक जा सकते हो, 120 भी अगर आप जाओगे ना तो वाइब्रेशन ऐसा करेगा ना कि आप खुद ब खुद फिर स्पीड स्लो कर दोगे, फिर अर्थक्विक मोड चालू हो जाता है, अर्थक्विक मोड चालू हो जाएगा, फिर लगेगा अरे वाह मेरे तो आराम से चल लेगा। 450 मुझे लेने का काफी मन था, मैं काफी दिनों से वेट कर रहा था, 2 साल से इंतजार कर रहा था लगभग मैं, बट साले बाइक बना रहे कि परमाणु बम बना रहे पता नहीं चल रहा है यार, कितना टाइम कब से वेटिंग, बस टीजर टीजर टीजर, यहाँ दिख गई वहाँ दिख गई, फाइनली भाई अपना बजट के हिसाब से। लोगों का सवाल काफी दिनों से था कि भाई मैंने हिमालयन छोड़ के HD एडवेंचर क्यों ली, क्योंकि देखो मैं भी हिमालयन फैन बॉय हूँ, मुझे हिमालयन बहुत पहले से पसंद थी। इनफैक्ट मैं जब मैं गाड़ी लेने गया था, बुक करने गया था, मैं हिमालयन के लिए गया था, पर हमारी जो मिसेस है उनको भाई क्लासिक पसंद है तो हमने क्लासिक लिया, तो हिमालयन मुझे बहुत पसंद है। बट जब HD आ गई मार्केट में तो फिर मैंने HD का टेस्ट राइड लिया, भाई ने भी टेस्ट राइड लिया, तो डिफरेंस स्ट्रेट अवे पता चल रहा था। और कैसा ना, हिमालयन काफ़ी टाइम से वो एक ही चीज़ रिपीट करते आ रहा था, मतलब 2016 से लॉन्च हुआ तब से वो सेम ही चीज़ ला रहा था, सिर्फ कलर चेंज करते जा रहा था जो चीज़। और हालांकि HD ने कुछ नया नहीं किया, जो चीज़ हिमालयन नहीं कर रहा था काफ़ी दिनों से वो HD ने अपग्रेड करके दे दिया मार्केट में। तो जब मैं HD का टेस्ट राइड ले रहा था, मैंने हिमालयन का भी लिया था, हिमालयन साइड बाय साइड माइंड में चल रहा था, बट मुझे इसका टेस्ट राइड लेना था, तो मैंने ये जब टेस्ट राइड लिया तो भाई भी थे, इन्होंने भी टेस्ट राइड लिया था। भाई आपको क्या डिफरेंस स्टेटर में पता चला ये गाड़ी चलाया था? तो मेरा तो हिमालयन में हिमालयन चला रहा था, लेकिन हिमालयन से मतलब HD में एक चीज़ अपग्रेड ये किया कि इसका जो टॉर्क और पावर है इसमें कुछ ज़्यादा ही है, हिमालयन से मतलब बेटर है। आप अगर ऑन हाईवे अगर चलोगे तो हिमालयन कैसा कि अगर आप सिटी में राइड कर रहे हो तो आपको लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा स्पीड चल रहा हूँ, लेकिन हाईवे पे जाते ही 110 तक बस दम तोड़ देती है, उससे आगे आप जा नहीं पाओगे। लेकिन HD में कैसा है, 130-140 तक आप जा सकते हो आराम से, 140 तक मैंने भगा लिया है, 125 तक नो वाइज, मतलब ऑल डे में 125 भगा सकता हूँ गाड़ी को। हिमालयन में 110-120 लास्ट यहाँ तक जा सकते हो, 120 भी अगर आप जाओगे ना तो वाइब्रेशन ऐसा करेगा ना कि आप खुद ब खुद फिर स्पीड स्लो कर दोगे, फिर अर्थक्विक मोड चालू हो जाता है, अर्थक्विक मोड चालू हो जाएगा, फिर लगेगा अरे वाह मेरे तो आराम से चल लेगा आराम से, इसलिए फिर आराम से 80 अगर अगर आप एडवेंचर देख रहे हैं गाड़ी और प्रॉपर ऑफ रोडर दिख रहे हैं ना, तो हिमालयन का टक्कर कोई गाड़ी नहीं सकता, कोई गाड़ी कर नहीं सकता, यहाँ तक कि KTM भी नहीं कर सकता, GS 310 तो भूली जॉब कर नहीं कर सकता। हार्डकोर ऑफ रोडिंग करनी है तो ये और हीरो एक्सपल्स, ये दो ही गाड़ी है जो हार्डकोर कर सकती है, ये थोड़ी बहुत हार्ड ऑफ रोडिंग कर सकती है, बट हाईवे के लिए, हाईवे टूरिंग के लिए बेस्ट गाड़ी अगर दोनों में कंपेयर कर रहा हूँ तो, बाकी ऑफ रोडिंग के लिए वो जीत रही है गाड़ी। और प्रैक्टिकली सोचना था, देखो हम जब मैं पूरा इंडिया घूम चुका हूँ और मैं टूर करता हूँ, तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऑफ रोडिंग हार्डली 10% होती है, 90% हाईवे क्रूज होता है। तो मेरे दिमाग में साइड बाय साइड ये भी चल रहा था कि भाई हिमालयन ले के मैं हर जगह तो खड्डे में कूदाऊंगा नहीं, मुझे पावर चाहिए हाईवे पे जब मैं चलूँ, तो ऑल डे 120 क्रूज करूँ मस्त मैं चलते रहूँ उसके अंदर, इसीलिए मेरा ज़्यादा परसेंटेज मेरा HD की तरफ था, इसलिए मैंने HD लिया। हालांकि 2023 में अभी तक मैं सेप्टेम्बर में शूट कर रहा हूँ, अभी तक अगर देखा जाए तो हिमालयन 450 आया नहीं है। 450 मुझे लेने का काफ़ी मन था, मैं काफ़ी दिनों से वेट कर रहा था, 2 साल से इंतजार कर रहा था लगभग मैं, बट साले बाइक बना रहे कि परमाणु बम बना रहे पता नहीं चल रहा है यार, कितना टाइम कब से वेटिंग, बस टीजर टीजर टीजर, यहाँ दिख गई वहाँ दिख गई, फाइनली भाई अपना बजट के हिसाब से बैटरी थी, एक तो हीरो एक्सपल्स, हिमालयन और HD एडवेंचर,
GS 310 और KTM भी थी एडवेंचर कैटेगरी में, बट वो बजट के ऊपर जा रही थी, तो फिर मैंने प्रीफर किया भाई HD एडवेंचर लेने के लिए। भाई लोग जो लोग मुझे बोलते भाई आपको हिमालयन लेना चाहिए था, भाई देखो हर एक चीज़ की नीड होती है, तो मुझे मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगा HD अच्छी है। हाँ वो अलग बात है, अभी इसके आर्गूमेंट करने बैठेंगे तो अरे HD का रीसेल नहीं है, आफ्टर सर्विस नहीं है, ये नहीं है, वो तो ठीक है बात की बात है, बट एट प्रेजेंट मैं चला रहा हूँ तो मुझे काफ़ी डिफरेंस पता चलता है दोनों में। अभी भी कह रहा हूँ भाई हिमालयन मेरा पहला प्यार है। हिमालयन वाले कमेंट बॉक्स में आके कुछ लिखना मत, हिमालयन वाले गाली गलौज मत करो यार। हिमालयन भी अच्छी गाड़ी, ऑफ रोडिंग के लिए अच्छी है, हाईवे के लिए थोड़ा पावर चाहिए उसमें कम है। आई होप अभी 450 आ रही है भाई, 450 आ रही है उसमें अच्छा खासा पावर है, तो भाई वो भी मजा करेंगे, उसका भी टेस्ट राइड लेंगे। चैनल पे बने रहो, वीडियो आएगी। और फिलहाल हम लोग थोड़ा फोटो शूट कर रहे हैं जो कि इंस्टाग्राम पे देखने मिल जाएगा, इंस्टा हैंडल आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा। चलो भाई निकला जाए, सनसेट देख लिया। क्या बात है। आ गया। तो यही था हमारा हिमालयन और HD का कंपैरिजन नहीं भाई, हर गाड़ी का अपना अपना प्रोज एंड कॉन्स रहता है। तो हिमालयन वाले गालियाँ नहीं देना, बुरा नहीं मानना, जो सच्चाई थी वही बताया। हिमालयन राइडर ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जो था वो बताया। बाकी हर कैटेगरी में हर गाड़ी अपने अपने लेवल पे सही है, वो इंजीनियर जो बैठे आपकी तरह हमारी तरह नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छा सोच के वो लोग डिज़ाइन करते गाड़ी। सो आप लोग कमेंट करके बताइए आपको कौन सी गाड़ी पसंद आती है पर्सनली, हिमालयन या HD, और आप एक्सप्रेस का भी नाम ले सकते हैं क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है। खाली वो अंडर पावर लगती मुझे, इसलिए मैंने वो गाड़ी नहीं ली, वरना एक्सप्रेस एक नंबर है। कम बजट में आपको अच्छा माइलेज, लो मेंटेनेंस गाड़ी मिल रही है, और क्या चाहिए। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, बताइए, मिलते हैं जल्दी से फिर किसी और वीडियो में। सी यू सून इन माय नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन रिफ्री राइड हार्ड एंड ऑलवेज वेयर हेलमेट। जय हिंद, जय भारत, बाय।